युक्रेनमधून शगुफ्ता यास्मिन सुखरूप परतली घरी. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू आहे. यामध्ये युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी परत आणण्यासाठी भारत सरकार ऑपरेशन गंगा राबवित आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये अडकलेले 20,000 भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतू लागले आहेत. त्यातीलच एक विद्यार्थिनी आहे शगुफ्ता यास्मिन. संघर्षमय व जीवघेणा प्रवास करत ती आज माटर गावात आपल्या घरी सुखरूप आली आहे. तिचे माटर गावात जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. शगुफ्ता यास्मिन ही घरी परतल्याने कुटुंबियांना आनंदाश्रू अनावर झाले. शगुफ्ता यास्मिन हिने युक्रेन रशिया युद्धाची अंगावर शहारे आणणारी आप भीती यावेळी सांगितली आहे. मेरा नाम शगुफ्ता यास्मिन मोहम्मद हनीफ है. मैं 5th ईयर स्टूडेंट हूँ यूक्रेन में. सो जो भी चीज़ें मैंने अनुभव की मैं उसके बारे में ही आप लोग को बताऊंगी. वहाँ पर हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यू टू वॉर की वजह से. जैसे कि राशन वगैरह, पानी वगैरह, जो सब चीज़ें हम सुपरमार्केट्स वगैरह से लेते थे वो चीज़ें फिनिश होने लगी क्योंकि कर्फ्यू हो गया था. कर्फ्यू की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे. ATM पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस, सुपरमार्केट्स में बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस, घंटों खड़े होकर हम लोगों को सामान लेना पड़ा. फिर उसके बाद में हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी ने बोला कि अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बॉर्डर्स ओपन किए, लेकिन बॉर्डर्स पे जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था. उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए. वो लोग हमारी कोई मदद के लिए रेडी नहीं थे. सारी चीज़ें हमें खुद को फेस करनी पड़ी. जबकि जैसे हम लोग देखते थे अपनी विंडो से ट्रंक वगैरह सब गुजरते थे, और जो आसपास की सिटीज़ में ब्लास्ट वगैरह हुए, सारी चीज़ों को मतलब कभी तो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया. ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम थी तो कुछ ज़्यादा ही फील हुआ. और उसके बाद में फिर जब इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को मिशन गंगा के थ्रू जब बताया कि आप लोग 4 बॉर्डर्स ओपन है, वहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर बात करके, वहाँ के ड्राइवर से बात करके, पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक हंगरी के लिए बस 2 बसेज अरेंज की. उसके बाद हम लोग हंगरी पहुँचे. उसके बाद से हंगरी से लेकर जो सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रोवाइड की हमें, होटल्स वगैरह, और वहाँ से आने की बसेज वगैरह की फैसिलिटीज़, प्लेन वगैरह, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की. आगे पढ़ाई के बारे में मेरा यही कहना है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी और जितने भी इस चैनल के थ्रू जो देखने वाले सब लोग हैं उनको, कि प्लीज़ ये हमारा फ्यूचर का सवाल है. जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं तो उनकी डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी फैमिलीज ने बहुत उससे हमें भेजा है. सो प्लीज़ इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए और हमारी डिग्रीज को वो करने से रोका जाए. थैंक यू सो मच.